हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था, और वेक्टर एनालिसिस में एक हम लोग टॉपिक उठाए थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और ये हुआ कर्ल। ठीक है, इसी टॉपिक को अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 5 है और यह दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से एक्सरसाइज हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5 और 5 का कुछ प्रश्न सोल्व हुआ है, बाकी आगे हम लोग सोल्व करेंगे और ये दास गुप्ता के बुक से है। तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। देखिए एक्सरसाइज हम लोग 5 देख रहे थे और इसमें प्रश्न संख्या 8 का 1 हम लोग लिखे हुए हैं। पिछले वाले में 7 तक कंप्लीट था, आज हम लोग देखेंगे नंबर 8 का 1 है। ये बोला क्या है कि प्रोव दैट डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा लेंदी तो बनेगा, देखने में बहुत छोटा है, बताएंगे तो थोड़ा बड़ा चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए LHS इक्वल टू हमने लिखा डेल का स्क्वायर 1/r और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, देखिएगा डेल डॉट डेल 1/r होगा। ये नंबर क्या कर लेते हैं, थोड़े देर के लिए वन कर लेते हैं, बात समझ गया आने चाहिए। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, ले आर एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसका नाम है एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, जेड ए वेक्टर, ये कर लेंगे। उसके आगे हम लोग अगर मोड ऑफ आर निकालते हैं तो इसको आर लिखा जाता है और अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि आर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो आर का स्क्वायर हम करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स का ये मिलेगा 2r डेल आर बटा डेल एक्स, पार्शियल ही करेंगे, ये आ जाएगा 2x, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये मिला डेल आर बटा डेल एक्स बटा 2x बटा 2r, कटेगा तो क्या देगा, x बटा r मिला। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं तो y में, तो डेल आर बटा कितना मिलेगा, डेल y, तो y बटा r हो जाएगा, और डेल आर बटा अगर हम डेल जेड करते हैं तो जेड बटा कितना मिलेगा, आर, इतना तो काम कर लेंगे ना। इसको हटा दे, अब डेल बटा 1/r का वैल्यू निकाल लेंगे। बस समझ में आ रहा है, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा ना, डेल 1/r करने के मतलब क्या होता है, i वेक्टर डेल बटा डेल x, j वेक्टर डेल बटा डेल y प्लस k वेक्टर डेल बटा डेल y। थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद लिखेंगे ना, वर्ग तो लिखना ही पड़ेगा और a भी क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, 1/r लिखना पड़ेगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं i वेक्टर डेल बटा 1/r बटा डेल x प्लस j वेक्टर डेल 1/r बटा डेल x, बीच में फिर क्या होगा, प्लस k वेक्टर डेल बटा, यहाँ पे y हो जाएंगे, डेल j 1/r। देखिए 1/r का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/r स्क्वायर और डेल आर बटा क्या लिखना पड़ेगा, डेल एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष में ये मिला आर, इसको हम लोग लिखेंगे
माइनस वन बाई आर स्क्वायर डेल आर बटा डेल एक्स प्लस आ जाएगा जे वेक्टर माइनस वन बाई आर स्क्वायर डेल आर बटा क्या आ जाएगा डेल एक्स आएगा। अच्छा वाई है ना वाई प्लस के वेक्टर माइनस वन बाई आर स्क्वायर डेल आर बटा डेल एक्स डेल जे। ठीक है अब इसमें से माइनस वन बाई आर हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं। यहां पर मिला आई वेक्टर डेल आर बटा डेल एक्स बीच में क्या होगा प्लस हो जाएंगे जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई इन बीच में क्या आएगा प्लस के वेक्टर डेल आर बटा डेल जेड। बात यहां बनता है माइनस वन बाई आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स का भी लोग यहां से एक्स बटा हम लोग क्या लिखेंगे आर लिखेंगे उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे लिखते चलेंगे। ये मिला एक्स बटा आर आई वेक्टर वाई बटा आर जे वेक्टर जेड बटा आर के वेक्टर। मतलब यदि हम आर को बाहर निकालते हैं तो ये अब बन जाएगा आर की एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर जेड के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब माइनस क्या आ जाएगा वन बटा आर का पावर की हो जाएगा और यहां से देख लीजिए क्या हम लोग लिखने वाले हैं आर वेक्टर ना लिख सकते हैं इसी को कहा दे सकते हैं माइनस आर के पावर माइनस थ्री आर वेक्टर। ये मिला डेल बटा वन बाई आर का वैल्यू। अब हम लोग के निकालना क्या देखिए इसका वैल्यू निकाल दिए अब इसके साथ हम लोग का डेल के साथ इस वाले वैल्यू को डॉट करवा देंगे। डेल के साथ क्या काम करवाना पड़ेगा डॉट करवाएंगे बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा जीरो आएगा। तो आप इतना लिखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से। ठीक है वन क्या है डेल का स्क्वायर वन बटा आर बराबर क्या लिखे हैं हम लोग डेल डॉट डेल वन बटा आर। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं डेल बोलेंगे ना इस वाले को भी लो क्या है माइनस आर के पावर थ्री आर के वेक्टर। माइनस तो बाहर निकाल सकते हैं ना अरे माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये बनेगा डेल आर के पावर माइनस थ्री आर का वेक्टर है। हमने बताया था कि एक वेक्टर और एक एक्स कलर है जिसका एक फॉर्मूला बन जाता है फॉर्मूला कौन सा बनेगा याद है बताइए। एक आगर वेक्टर है एक क्या है वेक्टर एक क्या है एस कलर इसका फॉर्मूला क्या बनता है पहले देखिएगा जो वेक्टर है उसको बाहर निकालेंगे यानी कहने के मतलब आर के पावर माइनस थ्री है और ए आ जाएगा डॉट आर के साथ बीच में क्या होगा प्लस। अब आर वेक्टर डॉट बाहर निकलेगा बीच में क्या करेंगे डॉट और इस वाले को देखिएगा लिखेंगे डेल आर के पावर माइनस थ्री होता है। इसको नोट्स कर लेंगे अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस U वेक्टर भी दिया हुआ है U और V वेक्टर क्या है कि डेल डॉट U V वेक्टर वही कंडीशन यहाँ पे है। इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं देखिएगा अगर हम पहले U को निकालते हैं तो ये बनेगा डेल डॉट V वेक्टर बीच में प्लस अगर V वेक्टर को निकालते हैं तो डेल बनेगा यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तो दिखेगा नहीं ना पीछे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है दिखाया गया कलर मुझे। अब क्या लिखेंगे देखिए इस वाले को वैल्यू हम लोग को पता है क्या लिखना पड़ेगा माइनस तो लिखना ही लिखना है आर के पावर माइनस थ्री इस वाले को देखिए क्या लिखने वाले हैं आई डेल बटा डेल एक्स ना प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जे। डॉट में क्या लिखेंगे तो आर का वैल्यू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जे दिख रहा है अरे छोड़ दीजिए जो वाला दिख रहा है चलिए पहले इधर हम समझ लेंगे इसके बाद यहां से चालू कर देते हैं ठीक है थोड़ा लेंदी तो आई है।
पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर डेल का स्क्वायर है तो इसको हम डेल डॉट डेल वन बटा आर, जो मतलब जैसा फंक्शन वैसा काम, नंबर एक हो गया। हमने क्या किया कि आर एक पोजीशन वेक्टर है, उसका मॉडुलस निकाला, आर का स्क्वायर निकाल करके डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाला, डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड निकाल दिए। नाउ मतलब अब इसका हमने वैल्यू निकाला, चालू कर दिया, हम इसे चालू करते करते फाइनल डिसीजन क्या मिला, डेल बटा वन डेल ना डेल इंटू वन बटा आर इक्वल टू ये माइनस आर के पावर माइनस थ्री आर वेक्टर मिला, राइट। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन लिखे इस वाले को वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, हमने इस फॉर्मूला को यहाँ से लगा दिया है। अब डेल का वैल्यू हमने जानते हैं, डेल का वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी डेल का वैल्यू रखेंगे, है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो। इसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा, इसको मिटा दें, ये तो अलग है ना, ये मिला डेल स्क्वायर वन बटा यार, इसको नहीं लिखना है, ये तो सोचे था। यहां से देखिए माइनस तो रहेगा, बिल्कुल माइनस रहेगा, और आर की पावर क्या आ जाएगा, नहीं होगा तो माइनस को गुणा भी कर सकते हो, आर की पावर माइनस थ्री डेल का, देखिए ये वैल्यू आ जाएगा, और ये क्या है डॉट है, आर कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, इसको लिख दे प्लस जेड के वेक्टर, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिख दो, आर को लिखना पड़ेगा डॉट, हो गया जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ए वेक्टर डेल बटा डेल जेड, बाहर में क्या है आर की पावर माइनस थ्री, यही है ना, देखिएगा माइनस तो रहेगा, आर के पावर माइनस थ्री, आई वाले को आई के साथ डॉट करवाएंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, ये मिला डेल एक्स बटा डेल एक्स, डेल वाई बटा डेल वाई, डेल जेड बटा डेल जेड, बीच में क्या है प्लस है, इसको हमने लिखा आर वेक्टर डॉट, इस वाले को आई वेक्टर डेल आर के पावर माइनस थ्री बटा डेल एक्स, उसी तरह से जे वेक्टर डेल आर के पावर माइनस थ्री बटा डेल वाई, बीच में क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे, ए वेक्टर डेल आर के पावर माइनस थ्री बटा कितना जाएगा डेल जेड, हो गया। देखिए इस वाले को हम लोग डायरेक्ट माइनस थ्री, देखिए ए वन वन देगा, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू वन, डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू वन, ये मिला वन 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 कहने के मतलब वन प्लस वन आ जाएगा आर के डॉट, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने का यही एक तरीका है, देखिएगा आर के पावर एन तो ए हो जाएगा एन, आर में से एक को घटा देंगे, फिर आर का डिफरेंशिएशन डेल आर बाई डेल एक्स कर लेंगे, ठीक है जी। यहां से देखिए आई वेक्टर रहेगा माइनस थ्री, आर में से एक कम करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, और इसके साथ डेल आर बटा क्या लिखेंगे डेल एक्स, बीच में प्लस होगा, सेम काम उसमें ही चलेगा, तो माइनस थ्री आर लिखेंगे, देखिएगा थ्री में से वन माइनस थ्री एक घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा फोर, डेल आर बटा डेल वाई मिलेगा, बीच में प्लस ए वेक्टर माइनस थ्री आर के पावर माइनस फोर डेल आर बटा डेल जी रहेगा, बात समझ में आ रहा है, इस वाले को माइनस तो लिखना होगा, माइनस ए थ्री आएगा, वन 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 जोड़ेंगे तो थ्री प्लस आर का वेक्टर हो जाएगा, देखिए सभी में से माइनस थ्री बटा सॉरी माइनस थ्री आर के पावर माइनस फोर कॉमन हो रहा है, माइनस थ्री आर के पावर माइनस फोर कॉमन करेंगे तो ये माइनस थ्री मिलेगा, आर के पावर माइनस क्या मिलेगा फोर मिलेगा। अब यहां से देख लेंगे ये आर हो जाएंगे, डेल आर बाई डेल एक्स का वेल्यू हम लिखा एक तो सकते हैं ना, ये क्या आएगा आर प्लस आई वेक्टर वाई बटा आर जे वेक्टर जेड बटा के आर होगा के वेक्टर, ये तो कर सकते हैं, वेल्यू पीछे निकाले हैं डेल आर में डेल एक्स का, डेल आर में डेल वाई का, डेल आर में डेल जेड का वेल्यू निकाले हैं,
ये मिला -3 बाहर में माइनस प्लस में 3 आर के पावर -3 3 आर के पावर -4 आर एक्स वाई जेड के साथ क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर आर लिखेंगे अब बटा क्या होगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 3 आर के पावर -3 3 ये देखिए क्या मिलेगा ये तो आर स्क्वायर बटा आर हो जाएगा ये कट जाएगा कटेगा कटने के बाद जो बच गया उसको लिख देते हैं तो ये मिला डेल स्क्वायर 1 बटा आर बराबर माइनस का 3 है आर के पावर -3 है बीच में माइनस है देखिए यहाँ पे एक बचेगा तो पावर 1 -4 तो -3 मिलेगा तो ये मिला 3 आर के पावर -4 और एक आर मिला यानी कि ये माइनस बाहर रहेगा 3 आर के पावर -3 3 आर के पावर -3 ये देखिए कट गया तो बिल्कुल क्या मिल गया 0 और किसी ने देखा ना समझ में आ गया ना तो यही था पहले हम लोग इसको देख लेंगे LHS इक्वल टू तो एक डबल स्क्वायर है इसका मतलब एक डॉट में चलेगा ऐसा पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं थ्योरी में देख लीजिएगा यहाँ पे डेल डॉट लिखेंगे डेल 1 बटा आर पोजीशन वेक्टर मान करके उसका आर का मोड निकालेगा फिर स्क्वायर करके डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू निकाल लीजिए बाकी फिर आगे हम लोग चलेंगे फिर ये फॉर्मूला लग जाता है फॉर्मूला लगने के बाद सोल्व करेंगे बिल्कुल कट आउट करके क्या आ गया 0 आ गया तो आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे उसके बाद हम लोग नंबर देखेंगे 2 नंबर 8 का ही क्या प्रश्न संख्या है 2 है देखिए नंबर 2 है ये बोला है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेड r के पावर n इक्वल टू ये होना चाहिए वही चीजों को ऐसे शॉर्ट लिखा हुआ है ना पहले हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे r है केवल r है तो इसको हम लीड मानेंगे r एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसका x i वेक्टर y j वेक्टर प्लस क्या होगा z k वेक्टर इस वाले को हम लोग क्या करेंगे मोड निकालेंगे r ही लिखते हैं ना और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा z स्क्वायर यदि हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मिलेगा अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x में y में और z में तो अगर हम यहां से लिखेंगे देखिएगा 2 del r ना 2 r del r बटा del x तो ये आ जाएगा 2x बाकी 0 आ जाएगा डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू हम लोग एक्स बटा आर लिखेंगे उसी तरह से डेल आर बटा अगर डेल वाई करते हैं तो वाई बटा आर लिखेंगे और एक है डेल आर बटा डेल जेड लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड बटा आर इतना तो कर लेंगे ठीक है थोड़ा सा लेंदी जाएगा इसलिए हम जगह बता रहे अब क्या करते हैं देखिएगा पहले हम लोग का ग्रेड आर के पावर एन निकालते हैं बात समझ में आ रहे हैं हाँ मोहन किधर है मोहन आर की नहीं आ रहा है फिर भी याद आ रहा है आर की पावर ए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे थोड़ा देखिए ठीक है आई वेक्टर डेल बट्टा डेल एक्स जे वेक्टर डेल बट्टा डेल वाई के वेक्टर डेल बट्टा डेल जेड यहां से आर के पावर ए ना अब इस वाले को आई वेक्टर डेल आर की पावर एन बटा क्या करो डेल एक्स लिखो जे वेक्टर आर की पावर एन बटा क्या लिखे डेल वाई ए वेक्टर डेल आर की पावर एन डेल जे डिफरेंशिएशन करने का एक आसान तरीका है कि एन को पहले लाएंगे समझ में आ रहा है ना और ए को कम कर देंगे तो और डेल आर का डेल आर बाय डेल बीच में क्या होगा प्लस जे वेक्टर फिर एन आर के पावर एन माइनस वन डेल वाई बटा डेल आर बटा डेल वाई फिर आ जाएगा के वेक्टर
एन आर के पावर एन माइनस वन आ जाएगा, समझ में आ रहा है नतीजे, और डेल आर बटा डेल एक्स। यहां से लिखेंगे हम लोग जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑफ आर के पावर एन बराबर एन आर के पावर एन माइनस वन। भाई देखिए सभी जगह एक हमें चीज देखा कि एन एन टू आर के पावर एन माइनस वन यहां भी है, यहां भी है, उसको कॉमन करने के बाद आई के साथ डेल आर बाई डेल एक्स लिखेंगे, जे के साथ डेल आर बाई डेल वाई लिखेंगे, के साथ क्या करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि आई वेक्टर डेल आर बटा डेल एक्स लिखेंगे, जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई लिखेंगे, और के वेक्टर डेल आर बटा डेल जे लिखेंगे। इस वाले को एन आर के पावर एन माइनस वन, देखिए ये चीजें थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, आई वेक्टर एक्स बटा आर लिखिए, जे वेक्टर वाई बटा आर, ए वेक्टर जेड बटा आर। हमने यहां से एन लिखा आर के पावर एन माइनस वन, इस वाले को देखिए आर 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 हम लोग कॉमन कर देंगे तो ये तो मिलेगा एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर और जेड के वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर लिख सकते हैं, ये हुआ आर। इसकी पावर वन है ऊपर जाने के बाद, ए मिल गया ए आर के पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये आपके पास आ गया ग्रेड आर के पावर। अब एनएचएस के कंडीशन बहुत आसान वाला दिया हुआ है, डाइवर्जेंस उसके बाद है ग्रेडियंट, मतलब ग्रेड लिखते हैं आर के पावर ए। कहने का मतलब ये क्या है कि डेल है और ये डॉट है, इसके बाद ये आर के पावर ए हुआ, ठीक है, यही है ना। अब ए वाला हुआ डेल डॉट, इसका वैल्यू देखिए सामने निकाले हुए हैं, सामने क्या है एन आर के पावर एन माइनस, चाहे तो एन को बाहर ले सकते हैं और आर के पावर एन माइनस, अच्छा टू है ना, टू कर लेंगे ए आर वेक्टर। फिर से वही फॉर्मूला आने चालू हो गया, फॉर्मूला कौन सा आएगा, एन तो रहेगा, अगर आर के पावर हमने एन माइनस टू को बाहर निकाला तो यहाँ पे डेल डॉट इसके साथ आर हो जाएगा, आर के बाहर निकाला तो ये क्या आ जाएगा, आर के पावर एन माइनस टू है। ये फॉर्मूला ही बताया दिया गया है कि जब भी आपके पास देखिएगा डेल डॉट डेल, या सीधा सी बात है कि एक वेक्टर आर आर वेक्टर रहेगा, या इसको यू और एक वी वेक्टर मानेंगे, तो अगर हम यू को बाहर लेते हैं, यू को बाहर लेंगे, यहां से डेल डॉट क्या आ जाएगा सी वेक्टर बीच में प्लस वी वेक्टर को बाहर लेंगे तो डेल यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा यहां से। चलिए अब इसको थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ए मिलेगा आर के पावर एन माइनस टू आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा। इधर से डॉट क्या लिखेंगे आर वेक्टर, आर कहने का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा, बीच में प्लस कर लेते हैं, बीच में क्या होगा चलिए प्लस, अब यहाँ पे लिख देते आर वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आई डेल आर के पावर एन माइनस टू बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर लिखे ना डेल आर एन माइनस टू बटा डेल वाई प्लस ए वेक्टर डेल आर के पावर एन माइनस टू बटा डेल जे, ये हो गया। यहां से देखिए आई वाले को आई के साथ डॉट करवाएंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल जेड आएगा, तो उसका भी हम लोग वन लिख सकते हैं ए, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेंगे आर के पावर ए माइनस टू हो जाएगा। इस वाले को भी लोग क्या लिख सकते हैं डेल एक्स बटा डेल एक्स डेल वाई बटा डेल वाई डेल जेड बटा डेल जेड ना, बीच में प्लस होगा
आर हो जाएगा यहां से, थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए आर के पावर एन माइनस टू है तो एन माइनस टू आएंगे और एक कम करेंगे, ये भाई कम होगा तो थ्री आ जाएगा ना, यही होता है ना, जैसे एक्स के पावर एन है तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, अगर आर के पावर एन माइनस टू है तो एन की जगह पे एन माइनस हम टू लिखेंगे और एक्स के जगह पर आर लिखा। अच्छा एन माइनस पहले एन था तो एक कम किए, अब एन माइनस टू में एक कम होगा तो कितना मिलेगा, इसको जोड़िएगा तो एन माइनस थ्री मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं, जैसे देखिएगा डॉट हो गया, इसके सामने देखिए कैसे लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख देते, देखिए ये क्या आएगा एन माइनस टू आर के पावर एन माइनस थ्री, अरे एन माइनस टू आएगा ना, एक कम करेंगे तो थ्री आ जाएगा और आर का डिफरेंशिएशन डेल आर बाय डेल एक्स, आई वेक्टर भी रहेगा तो डेल आर बटा डेल एक्स बीच में प्लस आ जाएगा, एन माइनस टू आएगा, एन माइनस टू फिर आर के पावर एन माइनस थ्री जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई बीच में प्लस ए वेक्टर एन माइनस टू आर के पावर एन माइनस थ्री और ए आ जाएगा डेल आर बटा डेल जे, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे उसके बाद इसको हटाते हैं। पहले डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर के पावर एन इक्वल टू लाना है, हमने आर एक पोजीशन वेक्टर को ले करके इसका मोड निकाली, स्क्वायरिंग कर दिए, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करके डेल आर बाय डेल एक्स निकाल दिए, उसी तरह से डेल आर बाय डेल वाई निकालते हैं, डेल आर बाय डेल जे निकालते हैं। हमने पहले इस वाले भाग को निकाल दिए, ग्रेडियंट आर के पावर एन वाला निकाल दिए, इसका वैल्यू ये होता है आर के पावर एन, बाकी डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ कॉमन हो गया, कॉमन करने के बाद डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने रखा और इस वाले को आर आर कॉमन करेंगे तो एक्स आई वेक्टर मिलेगा प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर मिलेगा, तो इस वाले को आर वेक्टर लिखे। एनएचएस को टोटल कंडीशन, इसमें हम लोग आर डेल आर के पावर एन का फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है, और बाकी ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लगा करके यहाँ देखिए डेल का वैल्यू रखे हैं, आर का वैल्यू रखे, इस आर को जैसे के तैसे छोड़ दिए हैं, काम करेगा आगे, और बाकी इस वाले को हमने क्या किया कि डेल लगा करके सभी का डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे टू है, ठीक है, एक कम करेंगे एन माइनस टू में से एक कम करेंगे थ्री आएगा, उसी तरह से सब में कुछ कॉमन होगा, कॉमन करके बाकी सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इस वाले को देखिए थोड़ा क्या है, ए हुआ ए ना, आर के पावर एन माइनस टू तो रहेगा, इसमें देखिएगा वन प्लस वन ए आर हो जाएगा डॉट, चाहे थोड़ा सा देखिए इस वाले को सेम टू सेम मिल रहा है, इतना हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो क्या कॉमन होने वाला है एन माइनस टू होगा, यही ना कॉमन हो रहा है एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, ये हुआ आर। अब कॉमन करने के बाद देखिए ये चीजें हम लोग कॉमन कर दिए तो केवल आई वेक्टर डेल आर बाई डेल एक्स मिलेगा, आई वेक्टर डेल आर बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल आर बटा डेल जे मिलेगा, ठीक है। अब इस वाले को देखिए एन थ्री आर के पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आर के पावर क्या है भाई एन माइनस थ्री, ये हुआ आर। देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स बटा आर आई वेक्टर, फिर डेल आर बाई डेल एक्स निकाले हैं, वाई बटा आर जे वेक्टर, उसके बाद होगा जेड बटा आर के वेक्टर। आप यहां से कुछ कॉमन करने वाले हैं तो कॉमन कीजिए, यही चीज प्लस एन माइनस टू आर के पावर एन माइनस थ्री आ जाएगा, आएगा ना,
ये देखिए बटा में आर आने वाला है और ए हुआ आर वेक्टर डॉट, ये हुआ एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड ए वेक्टर। आगे बढ़ेंगे एन, ये थ्री आर के पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू, ये देखिए आर एन माइनस थ्री बटा आर लिखेंगे, आर इसमें भी आर वेक्टर आ जाएगा क्योंकि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा आर वेक्टर, आर डॉट आर दो वेक्टर का डॉट करेंगे स्क्वायर पकड़ेगा, ये हुआ एन थ्री आर के पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आ जाएगा आर के पावर एन माइनस थ्री बटा आर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कट जाएगा। ये देखिए आर के पावर एन माइनस थ्री है, इसका पावर वन मिलेगा, जोड़ेंगे तो एन माइनस टू तो मिलेगा ना, इस वाले को हम लोग एन ए थ्री आर के पावर एन माइनस टू हो जाएगा प्लस एन माइनस टू होगा, यहाँ पे आर के पावर क्या चलेगा क्योंकि ये एक बचा ना इसमें जोड़िएगा तो एन माइनस टू आ जाएगा, एक इस पे दिख रहा है, है? अच्छा ये बताइए इसमें देखिए ये दोनों चीजें कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हुआ एन थ्री प्लस एन माइनस टू आर के पावर एन माइनस टू को, अच्छा थ्री है माइनस टू करेंगे तो वन मिलेगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस और आर के पावर एन माइनस टू, और इधर से कौन चीज आ रहा था डाइवर्जेंस ग्रेड आर के पावर तो यही था, उसमें भी इसी टाइप के बनाए थे, थोड़ा सा उसमें क्या था ये पावर वहां पे वन बटा आर करके दिया था तो पावर तो चल जाएगा माइनस वन, यहाँ पे एन था, सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके आप डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए बिल्कुल आपको बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री हो गया, इस वाले को वैल्यू रखे ए आर को बाहर निकाले तो ये बच गया, इसमें भी आर का पोजिशन वेक्टर होगा नहीं तो आर का अगर एक साई वेक्टर वाई जे वेक्टर लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलेगा तो बराबर आर स्क्वायर हमने लिखा था वहां पे भी आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है बाकी कट उठ गए, यहाँ पे एन माइनस थ्री है एक पावर जोड़ेंगे तो एन माइनस टू, ये दोनों में से हम लोग बाहर निकाल दिए, यहाँ से थ्री बचा एन माइनस टू इसको जोड़ लेंगे तो एन प्लस हो जाएगा बाहर में एन है, ठीक है एन एच एस इक्वल टू आर जे, चलिए आप इसको नोट कीजिए इसके बाद यहाँ से नोट कर लेंगे उसके बाद हम अगले प्रश्न चलेंगे। अभी हम लोग प्रश्न संख्या क्या देखे, नंबर टू आपका कंप्लीट, नंबर वन देखे नंबर टू देखे और टोटल प्रश्न आपका एट तक है ना, तो ऐसा काम करते हैं कि एट लाइन बाई लाइन बनाने से कोई आपका केवल टाइम जाएगा, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिए सॉल्व हो जाएगा, कम से कम हम चार या पांच प्रश्न इसमें से सॉल्व कर देते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ तक है तो इसमें चार या पांच प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको प्रश्न संख्या देखिए क्या थ्री और प्रश्न संख्या बिल्कुल आप फोर सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो आपका फोर है एग्जाम्पल में भी आप टू और वन की सहायता से बिल्कुल आपका फोर बन जाएगा और ये थ्री से बन जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न क्या लिखेंगे फाइव की ओर चलते हैं, ये होमवर्क के रूप में आपका है बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिए और प्रश्न संख्या हम क्या देते हैं फाइव को सॉल्व करते हैं, एट का नंबर क्या है फाइव है और ये बोला हुआ है कि वेरीफाइड है कर्ल ग्रेड एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर आना चाहिए, एफ इक्वल टू दे रखा है ना, वेक्टर नहीं दिया है ए वेक्टर नहीं दिया है, ठीक है पहले हम लोग क्या करते हैं गिवन दैट एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर है, अब हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेड पहले फाइव निकाल लेते हैं, ठीक है ग्रेड फाइव कहने के मतलब आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई के वेक्टर डेल बटा डेल जे, उसके बाद एफ कहने के मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर है, ये हुआ आई वेक्टर, देखिए डेल बटा डेल एक्स इसके साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर,
प्लस जे वेक्टर डेल बट्टा डेल वाई, इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा, के वेक्टर डेल बट्टा डेल जेड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर होगा। बाकी सोल्व करेंगे तो ये हुआ ग्रेड ए। x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये 2xy प्लस ये हो जाएगा 2y, इसको छोड़ देते हैं, जीरो आने वाला है। j वेक्टर कहने के मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, और बाकी दोनों के तो जीरो हो जाएगा, तो ये सीधा लिखेंगे 2j। अब LHS में जो है आपका कर्ल ग्रेड फाइव, थोड़ा लाइट बढ़ा देना है ना, बढ़ा बहुत खराब दिख रहा है। ये देखिए आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर यही है, डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड, बात समझ में आ रहा है। ग्रेड एफ इक्वल टू यहां से देखिएगा टू एक्स वाई प्लस 2y, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा 2j। इसमें हम सॉल्व करेंगे i वेक्टर, चलिए i के सामने a वाला इसके साथ, a वाला इसके साथ, मतलब डेल बटा डेल z, ये आया x स्क्वायर प्लस 2x, बीच में माइनस, पहले तो डेल वाला डेल बटा डेल वाई टू जेड, तब डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस जे वेक्टर, जे वेक्टर के सामने वाले देख लीजिए जी, इसके सामने ये, इसके सामने, इसको इससे और इसको इससे, इसका मतलब एक डेल टू जेड बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल, देखिए इसके साथ जेड आएगा ए वाला, ये मिला टू एक्स वाई प्लस टू वाई, बीच में प्लस के, के वेक्टर के सामने में देख लीजिए, इसके सामने, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे करेंगे, तो ए मिलेगा मेरे पास डेल ए हुआ डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, बीच में माइनस डेल बटा डेल वाई, ये हुआ टू एक्स वाई प्लस टू। ये हुआ कर्ल ग्रेड ए आई वेक्टर। बात यह बनता है कि y के सापेक्ष में z का जीरो, z के सापेक्ष में x का जीरो, a मिला आपके पास जीरो माइनस जीरो, जेड वाला एक्स के सापेक्ष में जीरो, ए भी जीरो, यानी कि जीरो माइनस जीरो, प्लस क्या आ गया ये के वेक्टर। इसमें हम एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो मिलेगा टू एक्स प्लस टू, बीच में माइनस, वाई के सापेक्ष में टू एक्स माइनस से गुणा किया टू एक्स माइनस आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सब कट गया, ये भी जीरो आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। बात समझ में आ गया, अरे समझ गए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड एफ निकालेंगे, एफ इक्वल टू दे रखा है, ग्रेड एफ निकालने का यही तरीका है, फिर हम लोग कर्ल ग्रेड एफ, कर्ल का वैल्यू ये से निकाला जाता है डिटरमिनेंट की सहायता से, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जेड जेड। ग्रेड फाई का वैल्यू इस आई के नीचे, जे के नीचे, के नीचे आई निकालेंगे तो वही काम कर लेना है, बाकी जे निकालेंगे तो ऐसे कर लेंगे, बाकी इसको सोल्व वगैरह कीजिएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा जीरो आएगा, ठीक है। तो आज के हम लोग प्रश्न में देखे एक से लेकर कितना, देखे पांच तक, मतलब आठवां के ही एक से लेकर पांच तक है। अगले क्लास में हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नंबर क्या आ जाएगा आपका सीधा सिक्स से चलेंगे ना, तो मिलते हैं प्रश्न संख्या एट का, सिक्स को लेकर के अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे नंबर एट को। देखिए
नंबर एट का प्रश्न संख्या आठ है और इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है क्या है कि एफ इक्वल टू दे रखा है वेरीफाइड एट डाइवर्जेंस, उसके बाद कर्ल एफ इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, देखिए एट में आपका टोटल प्रश्न है आठ प्रश्न दिया था, जो एट है ना वन टू क्या है कि आपका एट दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है ना, ये एट है ना, तो एट में से जो प्रश्न संख्या आपका आ रहा है नंबर क्या है सात आ रहा है, और सात में दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू एक वेक्टर दे रखा है और हमें पूछा क्या है कि डाइवर्जेंस कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसका मतलब मीनिंग समझ लीजिए, ये डेल हुआ डॉट हो गया ठीक है, और ए हम लोग क्या करेंगे क्रॉस इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डेल क्रॉस एफ निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग डॉट करवा लेंगे ठीक है। तो गिवन दैट आप लिखिए आराम से और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ठीक है, आप अपने से कोशिश कीजिए, आप अपने से कोशिश कीजिए, बिल्कुल एकदम सॉल्व होगा, लाइन बाय लाइन सॉल्व होगा, थोड़ा प्रोसेस उसको पढ़ करके देख लिए, ऐसे बहुत बार हम लोग सॉल्व किए हैं। जैसे गिवन दैट आपका एफ वेक्टर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई आई वेक्टर प्लस एक्स जेड जे वेक्टर प्लस टू वाई जेड और एक ए वेक्टर है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डेल क्रॉस एफ कहने का मतलब कर्ल एफ वेक्टर होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे कर्ल एफ वेक्टर कहने के मतलब डेल क्रॉस क्या होता है एफ होता है। डेल कैसे निकालता है भाई, तो डेल का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, जो डेल ऑपरेटर होता है आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल वाई, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे जे और ये हो जाएगा ए वेक्टर, डेल बटा डेल एक्स लिखेंगे डेल बटा क्या लिखेंगे डेल वाई और डेल बटा क्या आ जाएगा डेल जेड, समझ गए बात को। अब एफ कहने के मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाई यहां से एक्स जेड और ये लिखेंगे टू वाई जेड ना, अब आगे बढ़ना है ये हुआ आई वेक्टर, अब देखिए आई वाले को साथ में मतलब आर वन और सी वन कैंसिल होगा तो इस वाले को इसके साथ इसको इसके साथ डेल हो जाएगा टू वाई जेड बटा डेल वाई बीच में माइनस डेल बटा डेल जेड ए वाला इसके साथ एक्स जेड आएगा ना, माइनस हो जाएगा जे वेक्टर, अब जे के साथ क्या करेंगे आर वन और सी टू कैंसिल इस वाले को इसके साथ इस वाले को इसके साथ, कहने का मतलब डेल बटा डेल एक्स ये हो जाएगा टू वाई जेड माइनस डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई, बीच में क्या करते हैं के कर लेंगे और इसके सामने देखिए ए वाला इसके साथ डेल एक्स जेड बटा डेल एक्स माइनस डेल बटा डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये चीजें हो गया ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ए मिलेगा आई वेक्टर, देखिए y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन y की करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहां से लिखेंगे आप 2j लिखिएगा, क्या लिखिएगा इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब यहां y के सापेक्ष में y का 1 तो ये हो जाएगा 2j बीच में माइनस, z के सापेक्ष में तो ये तो x हो जाएगा बीच में माइनस z, x के सापेक्ष में y और z है तो 0 मिलेगा बीच में माइनस हो जाएंगे, और जेड के सापेक्ष में ये भी क्या मिलेगा जीरो बीच में, फिर क्या करेंगे के वेक्टर इसके पास आएंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो एक्स का डिफरेंस देखिए डेल एक्स बाय डेल एक्स इक्वल टू वन तो जेड मिलेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन वन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि डेल वाई बटा डेल वाई इक्वल टू वन तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इस वाले को हम बोल सकते हैं देखिएगा ये हुआ कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू ये मिला आई वेक्टर 2z माइनस एक्स, ये सीधा सा बात है कि जीरो, आप इसमें जीरो है आप प्लस भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जीरो आ गया, अब प्लस क्या आ जाएगा ये k और z माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीजें आपके पास क्या मिला कर्ल f मिल गया। हमें निकालना क्या है कि डाइवर्जेंस मतलब हम डॉट करवाएंगे डेल क्रॉस f वेक्टर से, अब यहां से चलेंगे हम लोग
एलिचेस इंपॉर्टेंट। एलिचेस क्या है कि डाइवर्जेंस उसके बाद कर्ल एफ वेक्टर, कहने का मतलब क्या है ये डेल है डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर है ना बराबर। अब डेल कहने का मतलब क्या होता है कि आई वेक्टर ऐसे लिखेंगे, डेल कहने का मतलब क्या होता है आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा डॉट। बात यहाँ की डेल क्रॉस एफ, देखिए कर्ल एफ वेक्टर को ही डेल क्रॉस एफ वेक्टर बोला जाता है जिसका वैल्यू हमने निकाल रखा है। तो इस वाले को क्या लिखना जाए भाई, आई वेक्टर ये लिखेंगे 2z माइनस एक्स प्लस 0j वेक्टर प्लस इसमें लिखेंगे k वेक्टर z माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है जी गास? हाँ सर दिख रहा है। अब देखिए डॉट दो वेक्टर का डॉट आप सीखे हैं कि i डॉट i इक्वल टू, मतलब i वेक्टर डॉट i वेक्टर इक्वल टू 1 होता है, i वेक्टर अगर हम j के साथ करते हैं तो 0, तो डॉट एक लाइन में समझिए कि i वाले को i के साथ करेंगे, j वाले को j के साथ और k वेक्टर वाले को k वेक्टर के साथ। इस वाले को डॉट करवाएंगे तो मिलेगा डेल बटा डेल एक्स, ये हुआ 2z माइनस एक्स, बीच में प्लस हो जाएगा। इस वाले से करेंगे तो सीधा 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 0 हो जाएगा। k डॉट k मतलब डेल बटा डेल जेड और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सीखे होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो इस वाले को हम लोग जेड के सापेक्ष देखिए, x के सापेक्ष जेड का 0 तो माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जेड के सापेक्ष में जेड का ही डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और x का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 प्लस 1 मिलेगा क्योंकि ये माइनस 1 0 छोड़ देगा 1, ये कटने के बाद बिल्कुल क्या मिल रहा है 0। इधर से मेरे पास क्या है कर्ल डाइवर्जेंस, हाँ ये हुआ डाइवर्जेंस या डीआईवी लिखेंगे, उसके बाद कर्ल लिखेंगे एफ वेक्टर इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार हम लोग सॉल्व किए हैं, आप बिल्कुल इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा तो आसानी तरीका से, अगर नहीं अगर सॉल्व होगा तो आप थोड़ा सा इसको हिंट्स दीजिए और लेकर के बताइए। देखिए के नंबर 8 का एक प्रश्न, आपका नंबर क्या हो रहा है, नंबर 8 हो रहा है और नंबर 8 आप सॉल्व कीजिए, आपको ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं सॉल्व होगा तो आप एक बार ट्राई कीजिए या आप पूछिए कि नंबर 8 सॉल्व नहीं हुआ, आप सॉल्व करके थोड़ा सा बताइए, तो आप इसको जल्दी में सॉल्व कीजिए। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से, इसमें टोटल आपका 9, 10 और 11। देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो प्रश्न है, इसमें भी भाई दो प्रश्न है और इसमें भी क्या है दो प्रश्न और पूरे वीडीआई है एकदम इस टॉपिक से, क्योंकि 9 का 2 है 10 का 2 है और 11 के 2 है, तो टोटल 6 प्रश्न है। हम अगले क्लास में ये 6 प्रश्नों को एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे और बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको देखें और सॉल्व करें। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को अधिक से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। हम लोग प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 पूरा कंप्लीट कर लेंगे दास गुप्ता के बुक से, उसके बाद लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। तो ओके।